साथियों, आज हम भारत में जो धीमी मानसिकता चारों तरफ फैली हुई है उसके विषय में कुछ बताएंगे और चर्चा भी करेंगे। साथियों, अधिकांश लोग ये नहीं समझते कि आखिर ये धीमी क्या होता है। साथियों, इस्लाम में जो धीमी शब्द है वो अरबी समूह में अल अल धिम्माह, ऑटोमान तुर्की एवं उर्दू में जिम्मी, ये उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को कहते हैं जो मुस्लिम नहीं है और शरीयत कानून के अनुसार चलने वाले किसी राज्य की प्रजा हैं। साथियों, इस्लाम में धिम्मी उस व्यक्ति या समूह को कहते हैं जो शरीयत के अनुसार चलने वाले राज्य में रहता है, पर इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करता, लेकिन उसे जीवन चलाने के लिए एक कर देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, जिसे जजिया कहते हैं, तथा इसके बदले में उसे समाज में कुछ जीने के अधिकार मिल जाते हैं, कुछ अधिकार। और जब वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता तो उसे पूरे अधिकार मिल जाते थे। साथियों, अरबी शब्द जिम्मा का अर्थ है करार, जिससे जिम्मेदारी शब्द भी बना है। वो करार जो सदियों पहले इस्लाम द्वारा अपने राज्य में कुछ ईसाइयों यहूदियों को जीवन यापन करते रहने देने की शर्त के रूप में एक तरफा तय किया गया था। हालांकि साथियों, ये छूट बौद्धों मूर्ति पूजकों के लिए नहीं थी। खलीफा उमर के शासन में सन 634 के आसपास जिम्मियों संबंधी 12 नियम सूत्रबद्ध किए हुए थे। ये 12 नियम बनाए थे। इनकी मूल बात है कि जिम्मी लोग इस्लाम और मुसलमानों को श्रेष्ठ मानेंगे, उन्हें जजिया देंगे, नजराने देते हुए निम्न लोगों की तरह, नीच लोगों की तरह रहेंगे। इस प्रकार इस्लामी अधीनता में लंबे समय तक रहते हुए गैर मुस्लिमों में जो हीन भाव उनका स्वभाव बन जाता है उसे ही जिम्मी कहते हैं। यही है जिम्मी मानसिकता। साथियों, इसकी विशेषता यह है कि इस्लामी शासन से मुक्त हो जाने पर भी जो जिम्मियों के विचार व्यवहार हैं उसमें इस्लाम के प्रति वही भाव आदतन बन जाता है और बना रहता है। साथियों, इसी जिम्मी भाव में भारत के अधिकांश पत्रकार बुद्धिजीवियों का व्यवहार समझा जा सकता है। भारत में 600 वर्षों से अधिक तक बाहर से इस्लामी आक्रमण हुआ और उन्होंने शासन संभाला, और शासन रहने के कारण हिंदुओं में जिम्मी भाव जमकर बैठ गया, जिससे वो आज तक मुक्त नहीं हुए। साथियों, उसी का जो समानांतर उच्च भाव है वो मुस्लिमों में आज भी है। वो सदैव अपने लिए हर चीज कुछ विशेष, कुछ ऊपर, अधिक चाहते। आपको याद होगा कि जिन्ना ने मुसलमानों के मालिक कौम यानी मास्टर रेस होने के दावे से अलग पाकिस्तान मांगा था, क्योंकि आखिर मालिक और नौकर बराबरी से कहते रहते हैं, क्योंकि स्वतंत्र भारत के लोकतंत्र में बराबरी से रहना था। साथियों, वो मानसिकता आज भी पाकिस्तान में और भारत के मुस्लिम नेताओं में भी है। वे ऐसे विशेषाधिकार चाहते हैं जो दूसरों को न हो, जैसे वे काफिरों, मूर्ति पूजकों, राष्ट्रगान आदि की हर सांस में निंदा करेंगे, क्योंकि यह उनका मजहब विश्वास है। लेकिन हिंदुओं, बौद्धों, जैनों आदि के जो विश्वास हैं वो कुछ भी हों, वे इस्लामी शरीयत की आलोचना क्या उपेक्षा तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा होते ही मुस्लिम नेता धमकियां देने लगते हैं,
जब चाहे तो किसी की हत्या का आवाहन कर सकते। आवाहन करने वाला मंत्री पद पर क्यों न बैठा हो, उसे कुछ नहीं कहा जाता। मीडिया हो, मानवाधिकार आयोग हो, सब बगले झांकने लगते। साथियों, आप अगर ध्यान दें तो कोई तर्क वितर्क या विचार विमर्श नहीं, सदैव धमकी हिंसा की भाषा का प्रयोग होता है। साथियों, ये सब मुसलमानों की भावना के नाम पर स्वीकार किया जाता है, मानो मुस्लिम भावनाएं अन्य समुदायों, संविधान, कानून या सामान्य न्याय बुद्धि और विवेक से बहुत ही ऊंची चीज हो। यानी इस्लाम की वरिष्ठता उसकी तमाम बातों को बिना सवालों के स्वीकार करें। साथियों, हमारे मीडिया और राजनीति में जिम्मी मानसिकता चारों तरफ सर्वत्र फैली हुई है। आज भी कश्मीर से हिंदुओं को सामूहिक रूप से मार मार कर, अपमानित कर, बलात्कृत कर, धमका कर भगा देने के बाद उनकी जो संपत्ति थी, जो छोड़ी हुई संपत्ति थी, घर, दुकान, खेत आदि की, वहां पर खुली लूट बांट हुई। उन संपत्तियों को इस्लाम के मुताबिक माले गनीमत कहा गया, किंतु उन घटनाओं पर आपने देखा होगा कभी कोई रिपोर्ट, तस्वीरें, इंटरव्यू कभी नहीं आए। उन हिंदू मकानों, खेतों, दुकानों की गिनती या उसके हश्र पर कभी कोई स्टोरी नहीं छापी गई। कोई आंकड़ा, कोई तस्वीर है उनके पास? वर्षों सामूहिक संघार का शिकार होने पर भी उन लाखों कश्मीरी हिंदुओं में से कोई भी उनका आज तक आइकान नहीं बन पाया। साथियों, यदि कोई तर्क देने को अधीर हो कि जिम्मी वाली बातें पुराने समय की हैं, तो दो बातों पर ध्यान दें। पहली, इस्लामी मूल किताबों जिनसे ऐसे कायदे कानून बनाए गए थे को आज भी पत्थर की लकीर माना जाता है। उन किताबों का एक शब्द भी अमान्य नहीं किया जा सकता। इस प्रकार उन जिम्मी कानूनों के प्रसंग में भी भारत ने आज भी उन आपत्तियों को समझा जा सकता है जब भारत में दशहरे या रामनवमी अवसरों पर मुस्लिम बस्तियों के पास हिंदू जलूसों, ढोल, कीर्तन आदि पर आपत्तियां की जाती है। ये आपत्तियां उस गुजरे मुगल शासन दौर के जिम्मी कानूनों के पालन करने की जिद है, जिसके तहत हिंदू सार्वजनिक रूप से अपने पर्व त्योहार नहीं मना सकते थे। रामनवमी जुलूस पर आपत्ति का भाव यह है कि मुगल काल वाले बलात् कानून हिंदू समाज पर इस स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत में भी आज भी यथावत स्वीकार किए जाते। मस्जिद के बाहर गाने बजाने पर आपत्ति भारत में होती है तो केवल इसलिए कि हिंदुओं को वो अधिकार नहीं देना है। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि ये मुगलिया राज के अहंकार के अवशेष हैं, यह कोई इस्लामी सिद्धांत नहीं है। मुस्लिम इलाकों से रामनवमी के जलूस नहीं जाने दिए जाते, जबकि रमजान में कश्मीर में किसी हिंदू या ईसाई को भी दिन में सार्वजनिक रूप से खाने पीने नहीं दिया जाता, क्योंकि इससे मुसलमानों की भावनाएं आहत होती हैं। साथियों, ये जो हमारी भारत की सेकुलर मीडिया है, इसको इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता, इसीलिए वो इस्लामी बयानों, आपत्तियों, कांडों, मुद्दों, व्यक्तियों, देशों, संगठनों पर कभी वो मापदंड लागू नहीं करते जो गैर इस्लामी मांगों, इच्छाओं, देशों, संगठनों, नेताओं पर करते। साथियों, जिम्मी मानसिकता ये एक प्रकार का रोग है। इस फैलते हुए और फैले हुए रोग को आप समझें, इस रोग के लक्षणों को अच्छी तरह से पहचानें, तभी इस जिम्मी मानसिकता के रोग का आप इसके उपचार की आशा कर सकते हैं। साथियों, इस बात को आप समझें और ये समानता के व्यवहार को त्याग कर जो भेदभाव रूपी
ये जिम्मी मानसिकता किसी भी देश में फैलती है वो मानवता और मानवाधिकार के विरुद्ध है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।